एक दीदी कमल है यहाँ, वो कहीं होगी, बड़ी ठाड़ी हो रखी। बोले बाबा जी वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा तू नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा बिजी है, स्वामी रामदेव से भी ज्यादा बिजी है। अपना था महर्षि ध्यानंद का, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का, गौतम कराद जमने पौनिनी पतंजलि का, ये भारत रामकृष्ण की, ये शिव जी की धरा, जिसने कोटि कोटि ऋषमुनियों को जन्म दिया, कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति शहादत बलिदान दे करके इस भारत माता को आजादी भी दिलाई। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम सब मिलकर के वीर वीरांगनाओं और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, और जब तक भारत मां परम वैभवशाली नहीं बन जाएगी तब तक हम अपने राह पर चलते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति, ये संकल्प आज आपको लेकर के जाना है। एक साधारण उद्देश्य के लिए आपको नहीं बुलाया। सूर्य नमस्कार का एक कीर्तिमान घटना, ये तो एक आलंबन है ही। इसके लिए अभिनंदन है हमारे भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, योग आयोग का अभिनंदन है, हमारे भाई खट्टर जी का भी एक बार जोरदार मनोहर लाल खट्टर जी के लिए अभिनंदन है। अभिनंदन है देश के यशस्वी ऋषि तुल्य देव तुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अभिनंदन हो जाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सुबह की शुरुआत योग के साथ करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? योग, और दिन भर करते हैं राजयोग। दिन भर क्या करते हैं? राजयोग, राष्ट्रयोग। तो कुछ लोग कहते हैं जी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए एक हमारी दीदी यहाँ पर कम, ये तो कमला माता है, एक दीदी कमल है यहाँ, वो कहीं होगी, बड़ी ठाड़ी हो रखी। बोले बाबा जी वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा तू नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा बिजी है, स्वामी रामदेव से भी ज्यादा बिजी है। तो जब स्वामी रामदेव अपने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों दायित्वों के बावजूद सुबह योग कर सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए योग कर सकते हैं सुबह सुबह, जब हमारे योगी आदित्यनाथ हो या हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हो, आज इस देश के करीब जो भी समझदार पॉलिटिशियन हैं, समझदार और जिम्मेदार जो भी इस देश के कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी अच्छे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आज देश के 99% समझदार और जिम्मेदार लोग योग कर रहे हैं। तो हमें भी समझदारी और जिम्मेदारी निभाना है, सुबह उठ करके योग करना है।